Hi everyone, my name is Anjali. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to tell you about money plant, which is also known as pothos. So I'm going to tell you about the benefits of this money plant. So money plant जो होता है वो पानी में भी grow करता है और ये जो है soil में भी grow करता है. देखिए इसको मैंने money plant को ये water में grow किया है और यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं ये मैंने सॉइल में भी ग्रो किया है. इसके बहुत सारे वैरायटीज आते हैं तो इसमें से मेरे पास दो वैरायटी है. एक है ग्रीन एंड दिस वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैरायटी. दिस इज मार्बल मनी प्लांट. यू कैन सी इट. इसको मार्बल क्यों कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते की शेडिंग है इट्स शेडिंग इज सिमिलर टू द मार्बल. आप इसकी शेडिंग देखिए और आप इसकी शेडिंग देखिए. सो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पहली बात तो ये कि ये एयर को प्यूरीफाई करती है और आप इसको एज अ डेकोरेटर भी घर पे सजा सकते हैं और वास्तु के हिसाब से ये जो मैरिटल जितने भी प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में उसको जो है रिड्यूस करता है या आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को क्योर करने में हेल्प करता है. मनी प्लांट एक आपको एक पॉजिटिव वाइब भी देता है और ये और अगर इसको आप घर के अंदर रखते हैं तो ये जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है आपके घर में वो उन सब को दूर भगा देती है. सो ये तो थे बेनिफिट्स. ये तो बहुत ही कम बेनिफिट्स हैं. बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. अगर मैं सब बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी. तो ये देखिए ये है कटिंग. लेकिन इसको मैंने बहुत पहले रखा था इसीलिए पानी में रखने की वजह से इसके जो है रूट्स आ चुके हैं. इसको पानी में बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो किया जा सकता है क्योंकि पानी में रूट्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल आते हैं और देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी रूट है. इसको भी मैंने उस दिन ही बहुत ही एक हफ्ते पहले ही मैंने कटिंग करके इस बाउल में रखा था. तो इसमें रखने के बाद इसकी जो कुछ ग्रोथ है वो इस तरह से हो गई है. अगेन इसकी भी ग्रोथ कुछ इस तरह से हो गई है. इसको भी मैंने कटिंग करके ही पानी के अंदर रखा था. देखिए जब आप इसको पानी के अंदर कटिंग करके रखते हैं एक हफ्ते के लिए तो इसके जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह से निकल जाते हैं. जब आप मनी प्लांट या फिर कोई प्लांट को प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं तो आप जब पानी में रखेंगे तो वन वीक के लिए इसकी जो पानी होता है उसको हर रोज़ चेंज करना पड़ता है. रेगुलर चेंजिंग ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फिर जब एक हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तब एक हफ्ते के बाद आप दो दो दिन या फिर तीन तीन दिन में आप चेंज कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई खाली बॉटल या फिर ग्लास है तो आप इस तरह से मनी प्लांट को रख के इस तरह से एक घर में डेकोरेटर भी बना सकते हैं. ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है जिसको मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रखा था लेकिन आपको दिखाने के लिए इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा है फिलहाल. ये छोटी सी मिठाई की डिब्बियाँ हैं जिसको मैंने मनी प्लांट का पॉट बनाया है. ये जो रूट्स है इसकी इसको मैंने वाटर में बहुत दिनों तक रखा था. उसके बाद जब इसकी रूट्स निकल आई तो मैंने इसको सॉइल पे ग्रो किया है और देखिए कितनी जल्दी बढ़ चुकी है. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मनी प्लांट है मेरे घर की. ये है मार्बल वैरायटी की. इसको जब मैंने लिया था तो ये काफ़ी छोटा था. उसके बाद मैंने इसको बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा. इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किए, वर्मी कंपोस्ट डाला. उसके बाद फिर इसमें फॉस्फोरस की भी कमी हो जाती है कभी कभी तो इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है तो बीच बीच में फर्टिलाइज़र भी डालना बहुत ज़रूरी है. और इसको स्पेशली सन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आप इसको सन पे नहीं रखेंगे तो ये जो वाइट कलर है ये टोटली ये ग्रीन हो जाएगी, कुछ इस तरह से दिखेगी.
ये जो वाइट है ये डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने इसको घर के अंदर नहीं रखा है, इसको मैंने अपने बालकनी में रखा है। तो प्रोपागेशन कहते कैसे कहते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो लीव्स है ये इतनी है, तो मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। ये जो लीफ है, जहाँ से लीफ आ रही है इसके 1 सेंटीमीटर को छोड़ के आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पे आप यहीं पे कटिंग मत कीजिएगा, आप 1 सेंटीमीटर काफ़ी, कम से कम इसके नोट से 1 सेंटीमीटर गैप रखे यहाँ पे कटिंग कर दीजिएगा। अभी मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर आपके पास नाइफ है या फिर ब्लेड है तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम यूजिंग दिस सीज़र बिकॉज आई एम होल्डिंग अ फोन राइट नाउ विथ वन हैंड एंड आई एम यूजिंग माई वन हैंड ओनली। तो मैंने जहाँ पे बताया आप वहीं पे कटिंग कीजिए, ये 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ के आप यहाँ पे सीधे इस तरह से। तो ये जो है ये देखिए, अब इसको आपको जो है पानी भी रखना है, तो मैं इसको इसी में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो इस आपने जहाँ पे कट किया है वो कम से कम पानी को टच करना चाहिए वो पार्ट को। ये देखिए ये है, और इसकी जो ये जो कि जो नोड है इट इज़ टचिंग द वाटर। तो यहीं से जो है बाद में रूट्स की ग्रोथ हो जाएगी। कम से कम 1 हफ्ते तक आप इसका जो पानी है वो रोज़ चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद आप जब 2nd हफ्ता हो जाएगा तो आप 2 या फिर 3 दिनों में आप चेंज कर सकते हैं। जब ऐसे जो रूट्स निकल जाए तो आप इसको मिट्टी में भी डाल के लगा सकते हैं, लेकिन वाटर प्रोपोगेशन इज़ वेरी इजी। एंड जो सॉइल होता है, सॉइल में बहुत सारे कीड़े या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन का बहुत सारा डर होता है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए यू कैन यूज़ इट वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।